अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सब के साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल बर्ड्स इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काले तीतर की बुलाई और मस्ती के लिए एक बहुत ही देसी नुस्खा, आसान नुस्खा बताऊंगा आज की इस वीडियो में। आज की मेरी वीडियो ये पूरी देखें, ये छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको काले तीतर की बुलाई और उसकी मस्ती के लिए एक देसी नुस्खा बताऊँगा। एक बहुत आसान सा नुस्खा है देसी, और आप जब अपने तीतर को, अगर आपका तीतर ठंडा है, बुलाई नहीं करता, मस्ती नहीं करता, तो आप एक बार ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं अपने तीतर पे, तो फिर आप उसका रिज़ल्ट मुझे बताएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको नुस्खे की चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद उसको बनाना कैसे है और उसे किस तरीके से देना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने एक दो अदद बादाम ले लेने हैं, एक अदद आपने पिस्ता ले लेना है, छः अदद आपने चारों मगज़ ले लेने हैं, छः अदद और एक आपने सब्ज़ इलायची ले लेनी है। चीज़ें आपको दोहरा दूँ, दो बादाम, एक पिस्ता, छः अदद चार मगज़ और एक सब्ज़ इलायची। ये दोस्तों आपने सारी चीज़ें ले लेनी है। तो ये चीज़ें लेने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इस नुस्खे को बनाना कैसे है, ये आपको मैं डेली के हिसाब से बता रहा हूँ। ये आपने डेली ताज़ा नुस्खा बना के अपने तीतर को देना है। दोस्तों, आपने इन सब चीज़ों को पीस लेना है, बादाम के ऊपर से आपने छिलके उतार के उनको भी पीस लेना है, और सब चीज़ों को इकट्ठा पीस के उनका पाउडर बना लेना है। आपने छोटा या बड़ा शहद ले लेना है, कोशिश करनी है छोटा मिल जाए, अगर ना मिले तो बड़ा भी मिल जाए, कोई मसला नहीं है। छोटा या बड़ा शहद ले लेना है, इन सब चीज़ों का पाउडर बना लेना है, और उसके अंदर थोड़ा सा आपने शहद ऐड करना है, जिससे उसकी आसानी से गोलियां बन जाएंगी। गोलियां दोस्तों आपने छोटी छोटी बिल्कुल बनानी है, बड़ी गोलियां नहीं बनानी। तो ये जो गोलियां बनेंगी दोस्तों, ये आपने अपने तीतर को जो है ना, वो डेली दिन में दो या तीन इस्तेमाल करवानी है। तीन आपने गोलियां इसको इस्तेमाल करवानी है, सुबह, दोपहर और शाम को। ये दोस्तों आप जब अपने तीतर को ये देंगे, तो अगर आपका तीतर पट्टा है तो वो भी आपको, आप उसे ये नुस्खा दें, वो भी आपको सीज़न आने पे रिज़ल्ट देगा इसका। अगर आपका तीतर जो बड़ा है, तो फिर वो आपको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट देगा, क्योंकि ये नुस्खा जो है ना, ये बहुत ताकत वाला नुस्खा है और ये नुस्खा बहुत बेहतरीन नुस्खा है। ये नुस्खा दोस्तों आपने देना अपने तीतर को, अक्सर वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि तीतर का मिजाज भी देखा करें, उसका तरीक़ाकार भी देखा करें। और जो नए दोस्त शौकीन नज़रात होते हैं, वो कुछ तीतर की एज भी देखा करें। जब बहुत ज़्यादा कम एज को तीतर के नुस्खे देते हैं, तो वो अपना तीतर जो है ना, वो भी ज़्यादा हीटअप कर बैठते हैं, फिर उनको ठंडा करने का नहीं पता होता, तो फिर तीतर को ठंडा करना पड़ता है। इसलिए आप उसको एज के हिसाब से नुस्खे दिया करें। अगर उसकी एज इस काबिल है कि वो उसको नुस्खे दें, तो वो पचा जाए। अगर वो ज़्यादा हीटअप हो जाए, तो उसको ठंडे करने के भी नुस्खे होते हैं, आप वो भी दिया करें साथ साथ। कोई भी तीतर को चीज़ है ना, गर्म हो या ठंडी है, वो लगातार नहीं दी जा सकती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हमारे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।